और कल हमने यहाँ पर महा अभिषेक किया आदिनाथ भगवान के जन्म दिवस पर, और पूजा अर्चना की हम सब मिलके बड़ा हमने माँ बहुमान किया भगवान को। और फिर हम सब मिलके सावक लोग सब हम लोग सब नगर निगम गए, वहाँ पर हमारा बहुत बड़ा पंडाल बना हुआ, और वहाँ पर हमने बड़ी महान रैली निकाली और जुलूस निकाला हमने। उसमें हमारे झांकियाँ बनवाई हमने, जो भगवान माँ आदिनाथ की जो चरित्र के बारे में जो था हमने उसकी झांकियाँ बनवाई और बनाई हमने, और हम हमारा उसमें बच्चे भी बिठाए हमने, और बच्चों और हम सब स्त्रियाँ तो हमने केसरिया साड़ी पहन के गए, सज धज के गए हम, और पुरुष ने हमारा सफ़ेद कुर्ता पजामा पहना और केसरिया पगड़ी में, और अपना ध्वजा जो चिन्ह ध्वजा लेके हमने और हम उसके बाद हमने गुरु का उपदेश सुना, उनके बारे में आदिनाथ भगवान के बारे में उपदेश सुना। और लेडीजों ने हमारे महिला मंडल ने नवयुक्त मंडल ने बड़ा इसमें प्रोत्साहन दिया, और महिला मंडल ने लेडीज ने हमारा भगवान का मंगलाचरण किया और उसमें प्रस्तुति दी, अपने अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम किया हमने। और उसके बाद हमारा स्वामी वत्सल हुआ, उसमें हमने 5,000 2,000 4,000 लोग खाना खाना है, और उन्हें हमने सब मिल के हमने पुरस्कारी की, और उसमें हमारे मिठाई भी बने, अच्छा प्रोग्राम हुआ। नगर निगम से हमने शोभा यात्रा में 14 हमारी झांकियाँ थी, उसमें हमने आदिनाथ भगवान का और हमारे गुरु विद्यासागर जी महाराज की भी झांकियाँ बनवाई हमने, जो हमारा गुरु अभी समाधि मनन हो गया उनका। तो हमारा नगर निगम से चालू होके हमारे सूरजपुर मंडी दिल्ली गेट और इस तरह से मन होते हुए हम वापस नगर निगम आई, और वहाँ पर रास्ते में सबको ठंडा पानी की बोतल और बच्चों को नुक्ती और मिठाई और लड्डू इस तरह से प्रभावना की बच्चों को बांटा गया, और सब ने मिलके इस तरह से हम जुलूस में जन समुदाय में बड़ी संख्या में सब सावक साविका आई, और इस तरह से भगवान का जन्मोत्सव हमने मनाया। उसके बाद हमारा सांस्कृतिक प्रोग्राम हुआ जो, और गुरु का उपदेश हुआ वहाँ पे, और गुरु के उपदेश के बाद हमारा भोजन था, प्रसादी महाप्रसादी थी, उसमें हमारे साम्यवत्सल था, और उसमें हमारे ना सब सावक लोग ने खाना महाप्रसाद ग्रहण किया। इस तरह से हम आदिनाथ भगवान की जयंती मनाते हैं। जैसे हमारे आदिनाथ भगवान ने उपदेश दिया, वो हमारे गुरु ने वैसे बता दिया है आपको इस तरह से कि ना उपदेश दिया कि असी मसी कृषि और वाणिज्य और विद्या, इस तरह से उन्होंने उपदेश दिया कि आप असी का मतलब उसको तलवार चलाना, और मसी का मतलब आप लिखित कोई कुछ भी काम करो लिखित, और कृषि का मतलब खेत बन जोतना और खेत में बीज बोना, इस तरह से उन्होंने सिखाया। और वाणिज्य विकाया सिखाया आपके किस तरह से व्यापार किया जाता है, और विद्या सिखाई जिसमें जिस तरह से कला कोई भी सांस्कृतिक कोई भी कला हो, जैसे नृत्य करना संगीत गाना, इस तरह से ये कला निपुण बहुत कला हमें सिखाई। और ये आदिनाथ भगवान के 101 पुत्र थे, और उसमें एक सबसे प्रथम भरत थे, तो भरत से हमारा भारत नाम पड़ा। और एक इनके पुत्र थे बाहुबली, जो उनका भी हमारे प्रसिद्ध हुए, वो भी बाहुबली भगवान भी उनके दो पुत्रियाँ थे ब्राह्मी सुंदरी, उनसे हमने अंक विद्या प्राप्त की, एक से अंक और एक से वाणिज्य, एक से अंक और एक से वाणिज्य विद्या उनको शिक्षा दी आदिनाथ ने। इस तरह से हम उनके मार्गदर्शन पे हम चलते हैं, और हम यही मानते हैं, हम यही कहते हैं कि हमारे गुरु के हमारे भगवान के हमारे गुरु के चरण मूल में हम चले, उनके गुणों का हम ग्रहण करें और अपना जीवन सुधारें। जैसे हम महावीर जयंती आएगी तो हम इसी तरह महावीर जयंती को भी हम धूमधाम से मनाएंगे, और हम आपको आदिनाथ जयंती की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएँ करते हैं।